Assalamu alaikum viewers, 9th class unit number 3 biodiversity and the lecture number is 7th. The topic is steps for the conservation of biodiversity. Biodiversity ko mehfooz karne ke liye kaun kaun se ikdamat kiye jane hain ya kaun kaun se ikdamat kiye jaye. To is topic mein hum ye padhenge ki biodiversity jo ke din ba din jo hai wo uski rate bahut hi zyada had tak decrease hoti ja rahi hai to hum usko kaise conserve kar sakte hain. तो इन बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो है वो ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, ठीक है. और बायोलॉजिस्ट ये ख्वाहिश रखते हैं कि कुछ ऐसी नेशनल पॉलिसीज को अब बनाया जा सके और कुछ ऐसे रूल्स अहम रूल्स हैं वो बनाए और अपनाए जाएं ताकि वो जो स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. और ये जो बायोलॉजिस्ट हैं ये ऐसे लॉज की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाए या फिर उनको इंडेंजर्ड होने से बचा सके और उन्हें तहफ्फुज़ दे सके. तो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा मिकदार में है तो पाकिस्तान आज भी जो है वो पाकिस्तान को ऐसे थ्रेट्स के मसाइल हैं मौजूद हैं उन फेस करने पड़ रहे हैं कि जिससे प्लांट्स या फिर एनिमल स्पीशीज हैं वो खतरे में हैं. तो ये जो ग्रेटेस्ट कंसर्न है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसको लॉस होने से जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट्स डे बाई डे जो है वो इनका लॉस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लिहाजा ये एक ग्रेटेस्ट कंसर्न बन चुका है. इसके साथ साथ ही इसके जो मेजर काजेज हैं वो जो रैपिड ग्रोथ है यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ रही है वो है. उसके साथ साथ ही प्रीवेलिंग पॉवर्टी है रूरल एरियाज में काफ़ी गुर्बत की वजह से जो है ये इसका लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का. इसके साथ साथ ही एक तो लो लिटरेसी रेट है, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न है, मेजर काज है कि इसमें जो कंजर्वेशन है, ठीक है, वो नहीं हो पा रही है. तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो है वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो है वो कुछ रूल्स और कुछ ऐसे इकदाम अपनाए हैं, ठीक है, जिनको जो है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो जिन्हें जो है भेजा गया है. और ये जो इन इंस्टीट्यूशन से बिलोंग रखने वाले जो पर्सन है वो इनको फॉलो कर रहे हैं. तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज ने क्या किया है कि एक रेड लिस्ट बनाई है. और ये जो रेड लिस्ट है ये इसमें इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज की लिस्ट है, तो उनको जो है वो तहफ्फुज़ देने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है. इसके साथ साथ ही कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं ताकि जो पाकिस्तान है उसको उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं उनको जो है वो कंजर्व किया जा सके. सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. तो 1980s में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाई ताकि जो पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके, उसमें जितने भी स्पीशीज है प्लांट्स की एनिमल्स की उनको जो है वो कंजर्व किया जा सके, स्टोर किया जा सके. नेक्स्ट एग्जांपल UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन है, CCD है. ये जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि जो ड्राई लैंड हैं वो दिन ब दिन जो है वो डैमेज हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो ये इकदाम किए जा रहे हैं. और पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पे जो है वो 1997 पे साइन किए थे, इस ईयर में जो है वो साइन किए गए थे इस प्रोजेक्ट पर. और थर्ड प्रोजेक्ट है जी हिमालय जंगल प्रोजेक्ट HJP. ये जो हिमालय जंगल प्रोजेक्ट है ये 1991 में पैलेस वैली में स्टार्ट किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में. और इसका जो अहम मकसद था वो ये था कि बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उनकी प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन करना जो है वो इसका अहम मकसद था. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज और बलोचिस्तान. तो सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट जो है ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है दुनिया में. और 1992 में WWFP यानी के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने जो है वो कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि यहाँ पर जो सोसाइटी स्पीशीज रह रही हैं उनको कंजर्व किया जा सके. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है. तो पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज में रहने वाली हैबिटेट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है वो ज्यादा तादाद में वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं यानी जंगली स्पीशीज मौजूद हैं. तो जंगली स्पीशीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरे में थी
क्योंकि उन फिशीज को या तो हंट कर लिया जाता था, शिकार कर लिया जाता था, या फिर जो है वो बायोडाइवर्सिटी या अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से वो डाई कर जाती थी। तो एनएसीपी ने एक प्रोजेक्ट मिलकर बनाया है डब्ल्यूडब्ल्यूएफपी के साथ। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया है कि हंटिंग पर जो है, इन स्पीशीज के शिकार करने पर जो है वो बिल्कुल ही बैन लगा दिया गया है, और ये बैन जो है वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो नॉर्दर्न एरियाज में जो हैबिटेट्स हैं, यानी जो स्पीशीज हैं, वो मस्क डेर है, स्नो लेपर्ड है, एस्ट्रोर मार्खोर है, हिमालयन आईबैक्स है, वुली फ्लाइंग स्क्वायरल और इसके साथ साथ ब्राउन डियर है। तो ये जो स्पीशीज हैं वो नियर टू कम्प्लीशन हो चुकी हैं, तो इन स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए जो है वो बैन लगा दिया गया, ताकि इनका शिकार ना किया जा सके और जो इनकी स्पीशीज रिमेनिंग है उनको कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी। चित्राल जो है इसमें जो बर्ड्स स्पीशीज हैं, चूंकि वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो जब वो एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करके जाते हैं स्पेशली चित्राल में से, तो वो जो बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी रूट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारे शिकार के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, ठीक है, वो इस दबाव में होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफपी ने क्या किया है कि कुछ ऐसे इकदाम किए हैं और 1992 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, ताकि जो है वो ऐसे बर्ड्स का शिकार ना कर सके। इसके साथ साथ ही ये भी इनके नंबर्स भी बताए हुए हैं कि एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो तकरीबन 200,000 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो चित्राल से जो है वो जब माइग्रेट कर रहे होते हैं, और इतने जो बर्ड्स हैं जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग माइग्रेशन मार दिए जाते हैं या फिर इनका शिकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन मार्खोर। तो हजारगंजी नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही ज्यादा करीबी है कोयटा से, और ये एक ही जो है वो हैबिटेट रहेगी या चिल्तन मार्खोर की पूरे मुल्क में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफपी ने ऐसे मैनेजमेंट प्लान की है पार्क के लिए, ताकि वो इसमें जो चिल्तन मार्खोर एनिमल है, ताकि इसको कंजर्व किया जा सके और इसको स्टोर रखा जा सके। नेक्स्ट बैन ऑन गेम्स है टॉपिक। तो जो फॉरेनर्स हैं जो क्या करते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने आते हैं और वहां पर डिफरेंट गेम्स जो है वो प्ले करवाते हैं, जैसे कि बियर्स हैं, तो बियर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो डिफरेंट गेम्स जो है वो शो ऑफ करवाएं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफपी ने क्या किया है कि बैन लगा दिया गया है, ताकि वो इस किस्म की जो इनलीगल प्रैक्टिस है वो उसको स्किप करें और बियर्स को हंट करना जो है वो बंद करें। तो इसके साथ साथ जो हर्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि बियर कब्स को कैप्चर करते हैं, यानी कि रिच के बच्चों को जो है वो पकड़ते हैं और फिर उन्हें जो ट्रेनर्स हैं उनको बेच देते हैं। वो जो ट्रेनर्स हैं फिर उनको ट्रेन करते हैं, और फॉरेनर्स जो आउट ऑफ कंट्रीज के रहने वाले होते हैं उनके हाथ बेच देते हैं। जब वो बेचते हैं तो फिर नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने के लिए वहां पे उन कुछ गेम्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी प्ले करवाते हैं जिसमें बियर्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफपी ने बियर्स की गेम्स पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया है।